गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर हमने 80 सी पढ़ लिया था, आज 80 ट्रिपल सी पढ़ने वाले हैं। 80 ट्रिपल सी क्या होती है, मेरी बात सुनना। 80 ट्रिपल सी इंडिविजुअल को दी जाएगी। 80 ट्रिपल सी किसको दी जाएगी? इंडिविजुअल को। तो 80 ट्रिपल सी हम लोग इंडिविजुअल को देते हैं, सॉरी सीसी भी नहीं है, 80 ट्रिपल सी। डिडक्शन इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। देखो, हमारे पास कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसके अंदर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी के टाइम पर लमसम पैसा मिलता है, लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी भी बनाई गई है जिसके अंदर उनको लमसम पैसा ना मिलकर उनको पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है। ठीक, तो यह डिडक्शन उसी के लिए है। डिडक्शन जितना भी आप प्रीमियम पे करोगे, इसके अंदर डिडक्शन इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। कुछ पेंशन फंड में तुम कोई प्रीमियम पे कर रहे हो जिससे कि आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के बाद आपको उसके कुछ मंथली पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। हालांकि वो पेंशन टैक्सेबल अदर सोर्सेज में होगी क्योंकि एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही है। बेसिकली 80 ट्रिपल सी बनाने का पर्पस ये था कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम नहीं रहेगी क्योंकि आज की डेट में पेंशन नहीं है। तो एक व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम करके चलना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, पेंशन फंड ले लेता है और उसमें प्रीमियम पे करेगा। तो प्रीमियम पे करेगा तो 80 ट्रिपल सी के अंदर वो डिडक्शन मिल जाएगी। बात समझ आती है? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आओ पढ़ते हैं। देखो, लिखा हुआ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड 80 ट्रिपल सी। इन जनरल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लमसम पेमेंट इज पेड टू द पॉलिसी होल्डर, बट इन सम केस पॉलिसी पेंशन इज गिवन। इंस्टेड ऑफ लमसम अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल जीवन सुरक्षा पॉलिसी, इफ पर्सन हैज पेड प्रीमियम फॉर सच पॉलिसी, डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी इंस्टेड ऑफ 80 सी। उसकी 80 सी में डिडक्शन ना मिलकर 80 ट्रिपल सी में डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलती है? इंडिविजुअल को। किसके लिए मिल रही है? प्रीमियम पेड टू द पेंशन फंड। ठीक है, जो भी पेंशन फंड में प्रीमियम पे कर रहा है उसकी डिडक्शन मिलेगी, लाइक जिन्हें जीवन सुरक्षा पॉलिसी। आगे कहता है, डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैन टेक पॉलिसी है, इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर ले सकता है, फैमिली मेंबर के नाम पर नहीं लेगा। कहता है इंडिविजुअल कैन टेक पॉलिसी ओनली हिज नेम, नॉट इन द नेम ऑफ स्पाउस और चिल्ड्रन। लेकिन अगर मान लो पेंशन जो मिलती है वो टैक्सेबल कहां पर होगी? जो पेंशन रिसीव है। पेंशन रिसीव मैं बता चुका हूं, पेंशन रिसीव हमारी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ। जो पेंशन रिसीव है उसको हम अदर सोर्सेज में टैक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने जीवन सुरक्षा पॉलिसी ली इन हिज नेम और प्रीमियम पेड 10,000, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10,000। मिस्टर एक्स हैज टेकन जीवन सुरक्षा पॉलिसी इन द नेम ऑफ मिसेज एक्स, नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। मिस्टर एक्स हैज टेकन जीवन सुरक्षा पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज डिपेंडेंट सन, प्रीमियम पेड 10,000, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो सिर्फ किसके नाम पर होनी चाहिए? इंडिविजुअल ओनली, सिर्फ इसी के नाम पर मिलेगी। 80 सीसीई ने बोला था मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। 80 सीसीई बोलता है 80 सी प्लस 80 ट्रिपल सी और 80 सीसीडी सबके मिलाकर मैक्सिमम डिडक्शन जो है। ठीक है भाई, तो एक बार फिर दोबारा मैं डिस्कस कर देता हूँ।
हम लोगों ने देखा कि डिडक्शन इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, एटी पॉलिसी बोलती है डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल, किस लिए? अंग्रेजी प्रीमियम पेड टू पेंशन फंड। हम लोग किसी पेंशन फंड के अंदर कुछ प्रीमियम पे करते हैं, उसकी डिडक्शन मुझे एटी ट्रिपल सी में मिल जाएगी, और जो पेंशन रिसीव हुई वो टैक्सेबल अदर सोर्सेज में होगी। एटी सी सी ई बोलता है, एटी सी एटी ट्रिपल सी एटी सी सी डी, इसकी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख तक करा हुआ है। इसे जल्दी से देख लो, फिर उसके बाद हम एटी डी पर आ जाते हैं कि एटी डी क्या बात करता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नोटिंग आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। एटी डी पढ़ना है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एटी डी। इसके बाद एटी डी करेंगे हम। एटी ट्रिपल सी किस लिए मिलती है? पेंशन फंड में पैसा प्रीमियम का देने पर डिडक्शन मिलेगी एटी ट्रिपल सी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख। एटी ट्रिपल सी की इंडिविजुअल भी 1.5 लाख लिमिट है, और एटी सी सी बोलता है, एटी सी एटी ट्रिपल सी एटी सी सी डी सबकी मिलाकर भी डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख ही है। तो मैं इसे हटा रहा हूं, अब मैं एटी डी के बारे में बात करता हूं। अब हम एटी डी के बारे में बात करेंगे। डिडक्शन एटी डी के बारे में बात कर रहे हैं, बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर जॉब आपकी अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आपका खुद ही मेडिकल इंश्योरेंस करा देगी, क्योंकि आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए तो जितना पैसा कमाया सारा निकल जाता है एक बार में, 1.5-2 लाख रुपए जो है बिल बन जाएगा नॉर्मल से कोई भी बीमारी होगी उसका। तो जिनकी कंपनियां मेडिकल पॉलिसी नहीं प्रोवाइड कर रही है, या फिर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उन लोगों के लिए एटी डी आती है। एटी डी बोलती है कि भाई आप लोग मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो, और मेडिक्लेम पॉलिसी जो अगर आप लोगे, अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मेडिक्लेम के टाइम पर जितना भी पैसा खर्च होगा हॉस्पिटल में वो सारा पैसा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा उसके लिए आपको पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और टैक्स बेनिफिट ये है कि आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो एटी डी की डिडक्शन देखिए, प्लीज ध्यान देना, एटी डी की डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन इज अलाउड, किसको मिलेगी डिडक्शन? या तो इंडिविजुअल को मिलेगी, ठीक है भाई, या तो इंडिविजुअल को मिलेगी डिडक्शन, या तो इंडिविजुअल को मिलेगी, या फिर किसको मिलेगी? एचयूएफ को मिलेगी डिडक्शन, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को मिल सकती है। डिडक्शन इज अलाउड, डिडक्शन क्यों मिलेगी? डिडक्शन इज अलाउड इफ एसएससी हैज मेड पेमेंट, एसएससी ने पेमेंट करी है कहां कहां पर, मेडिक्लेम प्रीमियम दिया, मेडिक्लेम जो है प्रीमियम दिया, तो मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम, ठीक है। और हमारे पास डिडक्शन क्यों मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की कोई और पॉलिसी है, या फिर एनी अदर पॉलिसी नोटिफाइड, ये सारा मैंने आपको भेजा हुआ है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिडक्शन मिलेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, प्रिवेंटिव
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए डिडक्शन मिलेगी। ठीक है भाई, 80D की डिडक्शन क्यों मिलेगी? 80D की डिडक्शन मिलेगी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। डिडक्शन इज अलाउड अगर एसएससी ने पेमेंट करी है, प्रीमियम पे करा है, मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम पे करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कुछ प्रीमियम दिया है, या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन एनी पॉलिसी में दिया जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई बीमारी ना हो जाए उसके लिए हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसके लिए भी डिडक्शन मिल जाएगी। और मेरी बात सुनना, इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकता है इन द नेम ऑफ सेल्फ, खुद के नाम पर ले लेगा, वाइफ के नाम पर ले लेगा। ठीक है, अगर वाइफ है तो वह अपने हस्बैंड के नाम पर ले सकती है, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर। और दूसरी बात सुनना, मान लो इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल पॉलिसी अपने पेरेंट्स के लिए लेना चाहता है तो अपने पेरेंट्स के लिए भी लेना ले सकता है। ठीक है, तो वो डिडक्शन मिल जाएगी। तो पेरेंट्स के लिए भी अगर उसने कोई पॉलिसी ली है पेरेंट्स के नाम पर, मेडिक्लेम पॉलिसी ली है और प्रीमियम पे करता है, तो 80D की डिडक्शन मिल जाएगी। और एचयूएफ जो है, एचयूएफ पॉलिसी किसके नाम पर ले सकता है? एनी मेंबर। एचयूएफ के अंदर एचयूएफ किसी भी मेंबर ऑफ फैमिली के नाम पर मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकता है, तो 80D की डिडक्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम लिमिट 25,000 है 80D की, बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के केस में मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 मिल जाएगा। बात समझ आती है? अगर आपको देखे, और जो पेरेंट्स की डिडक्शन मिलनी है, वो जो पेरेंट्स के नाम पर आपने पॉलिसी लिया है, वो आपने आपके बच्चों के नाम पर, वाइफ के नाम पर, उनसे अलग वो डिडक्शन मिलेगी, वो लिमिट में काउंट नहीं होगी, वो उसकी अलग ही हमारे पास लिमिट चलेगी 25,000 और 50,000 की। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, ठीक है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए इतना अलाउड है। और मेरी बात सुनना, आप लोग जो प्रीमियम पे कर रहे हो, वो प्रीमियम पे करना आपको अदर देन इन कैश, प्रीमियम, ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, ये प्रीमियम जो आपने पे करा, ये दो प्रीमियम, ये वाला किसी भी मैनर में हो सकता है, एनी मैनर, कैश में दे दो, एनी मैनर, या फिर चेक में दे दो, लेकिन ये वाला हमारे पास अदर देन कैश होगा, अदर देन कैश, कैश के अलावा देना। ठीक है भाई, तो दोबारा एक बार डिडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। डिडक्शन 80D अलाउड है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। क्यों अलाउड है? फॉर मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए। मेडिक्लेम प्रीमियम सीजीएस हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एनी अदर पॉलिसी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, ये पेमेंट कर सकते हैं पेड एनी मैनर, कैश में दे दे या फिर हमारे पास चेक वगैरह दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल खुद के नाम पे, वाइफ के नाम पर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर पॉलिसी ले सकता है, एंड इंडिविजुअल कैन ऑल्सो टेक पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के नाम पर भी ले सकता है। बात समझ आती है? उनके लिए अलग से 25,000 और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 मिल जाएगी डिडक्शन। एचयूएफ किसी भी मेंबर के नाम पर डिडक्शन ले सकता है, मैक्सिमम डिडक्शन दोनों के लिए 25,000 है, और हमारे पास मतलब अलग अलग 25,000 ईच है, ऐसा नहीं दोनों मिला, या तो इंडिविजुअल होगा या एचयूएफ होगा, तो हमारे पास ईच चाहे इंडिविजुअल और एचयूएफ हो 25,000, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है 50,000। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउड है? 5,000 इन एग्रीगेट ऑफ दिस, तो हमारे पास 5,000 इसकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। तो एक बार आओ, हम लोग इसकी रीडिंग कर ले बुक से जो मैंने आपको नोट भेजे, पढ़े। हमारे पास बोलता है राइट अ नोट
on deduction in case of payment of premium for medical insurance policy. Deduction is allowed. Medical insurance policy under section 80D. Deduction allowed होगी किस किस को? Deduction मिलेगी individual को, HUF को. Deduction shall be allowed if assessee has made payment. क्या क्या बोली है? Medical, central government health scheme or any payment or preventive health checkup. Individual can take policy in the name of wife, husband, dependent children. Deduction maximum कितनी allowed है? 25,000. But in case of senior citizen, हमारे पास But in case of senior citizen, maximum reduction allowed 50,000. If individual has taken policy in the name of parents, child dependent or independent, हमारे पास additional reduction, मैंने बोला था ना, additional reduction मिलेगी 25,000 की. However, the policy has been taken in the name of senior citizen, maximum reduction कितने मिलेगी हमारे पास 50,000. आप लोगों को इनकी limit याद रखनी है. आगे कहता है deduction for preventive health checkup. Shall be allowed 5,000. जो preventive health checkup है वो 5,000 तक allowed है और वो any mode में हो सकता है. Any mode. ठीक है भाई, किस payment किसी भी mode में हो सकती है. आगे कहता है HUF family can take policy in the name of any of its member. Deduction will be allowed in the similar manner. वही 25,000 senior citizen के लिए 50,000 maximum limit. आगे कहता है payment should be made otherwise than in cash, but payment for health, preventive health checkup. Preventive health checkup जो है वो किसी भी mode में हो सकता है, ये other than cash होने चाहिए. उसके बाद हमारे पास कहता है, अब हमारे पास इसके अंदर कुछ example बोले हैं उसने, वो हम अच्छा, in case of senior citizen saving scheme, general medical and policy is not issued. Health expenditure can incurred on their medical treatment. And deduction for such expenditure shall also be allowed, but limit will be as given above. क्या था senior citizen के अंदर हमारे पास क्या था in general medical claim policy जो है allowed नहीं होगी. कोई senior citizen है और उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो खर्चा जो medical treatment पर हुआ वो हम लोग allow कर देंगे. लेकिन हमारे पास कहता है अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके नाम पर कोई मेडिक्लेम पॉलिसी इश्यू नहीं रही और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर कुछ पैसा खर्च हो गया उसकी रिडक्शन मिल जाएगी. लेकिन उसके लिए हमारी लिमिट वही रहेगी जो थी. देखो इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इन जनरल मेडिक्लेम पॉलिसी इज नॉट इश्यू. जनरली मेडिक्लेम पॉलिसी इन लोगों के नाम पर इश्यू नहीं होती क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में एक व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है तो उस केस के अंदर रिडक्शन नहीं मिलती है. मतलब पॉलिसी इशू नहीं होती है. हैंस एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड ऑन देयर मेडिकल ट्रीटमेंट. डिडक्शन फॉर सच एक्सपेंडिचर शैल आल्सो बी अलाउड बट मैक्सिमम लिमिट शैल बी एज गिवन अबव. ठीक कहता फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैज टेकन पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज इन हिज नेम प्रीमियम पेड 27,000. बोलो 27,000 रुपए दे रहा है मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी 25,000. तो इन दिस केस डिडक्शन अलाउड विल बी 25,000. बट इफ मिस्टर एक्स इज सीनियर सिटीजन तो लिमिट 50,000 होगी तो आप 27 अलाउड हो जाएंगे. आगे कहता है आगे हमारे पास बोलता है मिस्टर एक्स हैज पेड प्रीमियम ऑफ रुपीज 7,000 फॉर द सेल्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 7,000. तो डिडक्शन कितनी मिलेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कितनी लिमिट थी 5,000 तो 5,000 की डिडक्शन मिलेगी. थर्ड पॉइंट हमारे पास कहता है मिस्टर एक्स हैज पेड प्रीमियम मेडिकल क्लेम पॉलिसी बाय चेक फॉर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन 22,000 एंड पेरेंट्स के नाम पर 28,000. तो भैया इसने पेमेंट जो करी है थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. थर्ड पॉइंट जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. थर्ड पॉइंट के अंदर 22,000 रुपए तो इसने खुद इनके नाम पर वाइफ के नाम पर चिल्ड्रन के नाम पर है तो ये तो 22 पूरे अलाउड है. पेरेंट्स के नाम पर कितने हैं? पेरेंट्स के बारे में नहीं लिखा कि वो सीनियर सिटीजन है तो पेरेंट्स पर कितने पैसे खर्च करे 28,000. तो 28 नहीं मिलेगी 25 मिलेगी तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी डिडक्शन 47,000. देख लो 47 ही. अगला पॉइंट देखो मिस्टर एक्स हैज पेड प्रीमियम ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी
और 15,000 इन कैश, कोई डिडक्शन, 50,000 इन कैश डिडक्शन इज अलाउड विल बी निल, कुछ डिडक्शन नहीं मिलनी। आगे कहता है मिस्टर एक्स हैज पेड प्रीमियम मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 18,000 इन द नेम ऑफ हिज फादर हु इज डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स, डिडक्शन अलाउड विल बी 18,000, पूरी अलाउड हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 80 डी हम लोग खत्म कर लिया, एक क्वेश्चन जो थे आप इसको देख लेना, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो लिमिट मेन याद रखनी है, इसके बाद आप इसको देख लो, एक बार एनालिसिस कर लो, उसके बाद मैं 80 डी करा चुका हूँ, अब मैं 80 डी डी पर आ जाऊँगा, जल्दी से आप देख लो, फिर हम 80 डी डी की बात करेंगे कि 80 डी डी क्यों बोलती है। जल्दी से देख ले, मेन तो लिमिट याद रखनी है कि 80D की मैक्सिमम डिडक्शन, पहली बात तो ये किसको मिलेगी, 80D इंडिविजुअल को मिलेगी, HUF को मिलेगी, क्यों मिलेगी, मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए मिलेगी, मेडिक्लेम प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एनी अदर नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इंडिविजुअल खुद के नाम पर, वाइफ के नाम पर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर पॉलिसी ले सकता है, HUF घर के किसी भी सदस्य के नाम, मैक्सिमम लिमिट 25,000 अलाउड है, सीनियर सिटीजन के केस में मैक्सिमम लिमिट जो है 50,000 अलाउड है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन एग्रीगेट दीज लिमिट मैक्सिमम कितनी अलाउड है, 5,000। तो ये आप लोग जल्दी से देख ले, अब मैं आगे चल रहा हूँ, इसे मैं हटा लूँ। की बात करते हैं, सॉरी 80DD आएगा पहले, फिर उसके बाद 80DDB। देखो भाई 80DD क्या बोलता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, 80DD क्या कह रहा है, तो 80D के बाद DD के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप ये सर अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, मैंने जो नोट्स भेजे थे उसमें, समझने के लिए वीडियो को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास हम बात कर रहे हैं 80DD डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। यह डिडक्शन किस किस को मिलेगी और क्यों मिलेगी? यह डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF मतलब नॉन रेजिडेंट को डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन क्यों मिलेगी वो सुने मेरी बात, ये डिडक्शन जो मिलेगी हमारे पास, ये डिडक्शन मिलेगी जो भी पैसा आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप
रिलेटिव, आपका कोई हैंडीकैप रिलेटिव है उसके ट्रीटमेंट पर आपने कोई भी पैसा खर्च करा तो आपको डिडक्शन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी हमारे पास 75,000। लेकिन अगर ये सीवियर डिसेबिलिटी का केस है, हमारे पास सीवियर डिसेबिलिटी का केस है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1,25,000 होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये मैक्सिमम लिमिट है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। मतलब अगर आपने 1 रुपया भी खर्च करा इनके ट्रीटमेंट पे तो डिडक्शन 75,000 की, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। तो हमारे पास देखिए इसके बारे में कहता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। हमारा कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है उसके नाम पर डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल और रेजिडेंट इंडिविजुअल। डिडक्शन इज अलाउड इफ एससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट। चाहिए भाई ट्रीटमेंट मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन एक्सेट्रा ऑफ डिपेंडेंट। ये ध्यान रखना, डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन, मैं इसके साथ लिख देता हूं हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटेड। ठीक है, डिपेंडेंट होना चाहिए वहां पर डिपेंडेंट रिलेटेड। हमारे पास कहता है कि भाई डिडक्शन मिल जाएगी एंड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन LIC और अदर इंश्योरेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन या सच डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल मींस आपके स्पाउस हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। HUF के अंदर, HUF फैमिली के अंदर हमारे पास बोलता है HUF फैमिली मींस एनी मेंबर ऑफ HUF फैमिली हु इज डिपेंडेंट ऑन HUF फैमिली। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड 75,000 चाहे रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो या HUF हो। और इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड 1,25,000। द असेसी शैल इनक्लोज द सर्टिफिकेट विद द रिटर्न फ्रॉम प्रेस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी। इन लोगों का एक हैंडीकैप का एक सर्टिफिकेट बनता है, उस सर्टिफिकेट इन लोगों को उसके साथ रिटर्न के साथ अटैच करना पड़ेगा, तब डिडक्शन मिलेगी। तो आओ एक बार दोबारा डिस्कशन कर लें। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 80BD की डिडक्शन, 80BD की डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को मिलेगी। क्यों मिलेगी? आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड कराया ऑन द ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी, इंडिविजुअल कैन टेक पॉलिसी इन द नेम ऑफ स्पाउस, इन द नेम ऑफ चिल्ड्रन, इन द नेम ऑफ ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स। HUF किसी भी नंबर मेंबर के सदस्य के नाम पर ले सकता है। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड 75,000 और इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 रुपए इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अगर आपने 5,000 रुपए भी इनके ट्रीटमेंट पे खर्च करा तो डिडक्शन 75,000 की मिलनी है। बात समझ आती है? तो हमारे पास और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 125 की, फॉर एग्जाम्पल पढ़ो, मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक, ही डिपॉजिटेड 25,000 विद द LIC कॉर्पोरेशन एवरी ईयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज हैंडीकैप ग्रैंडफादर। अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटी सबमिटेड। ठीक है, कॉपी भी हमारे पास उसने सबमिट कर दी। तो उसके बाद उसने बोला कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80BD। तो भैया देखो, हमारी जो फैमिली की डेफिनेशन थी उसके अंदर हमारे पास ग्रैंडफादर कवर नहीं हो रहे थे। पढ़ो, सिंस द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर एक्स वाज फॉर हिज ग्रैंडफादर, ही विल नॉट बी अलाउड एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80BD। डिडक्शन इज अवेलेबल इफ इंडिविजुअल कैन इनकर एनी एक्सपेंडिचर फॉर द डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव। ग्रैंडफादर डज नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव। ऊपर के डिपेंडेंट रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर
इसलिए ग्रैंडफादर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग। अगले डिडक्शन डिस्कस कर रहे हैं 80DDB। 80DDB जो है ये डिडक्शन हमारे पास स्पेसिफाइड डिजीज के लिए है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। तो आप इसकी नोटिंग जरूर करना, तभी आपको ठीक से क्लियर होगा। अगर नोटिंग नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी। नोटिंग करना जरूरी है, नोटिंग के बिना बात नहीं कर पाएंगे। अगले डिडक्शन है 80DDB, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। 80DDB के बारे में देखो हम क्या बात कर रहे हैं। 80DDB की डिडक्शन जो मिलेगी ये ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, डिडक्शन इन केस ऑफ, मैंने बताया था जी, डिडक्शन इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। जो भी कोई ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज पर खर्च हुआ, डिडक्शन किस किस को मिलेगी? डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, और डिडक्शन जो है रेजिडेंट HUF को मिलेगी, रेजिडेंट HUF को मिलेगी। डिडक्शन इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, ठीक, डिडक्शन किसको मिल रही है? रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज अंडर सेक्शन 80DDB, डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, डिडक्शन इज अलाउड इफ एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर इन ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट सच डिजीज एज स्पेसिफाइड इन रूल 11DD। याद नहीं रखना कौन कौन सी बीमारियां 11DD में आती है। आपको स्पेसिफाइड डिजीज लिख कर दिया तो आपको 80DDB की डिडक्शन देनी है। वो पॉलिसी किसके नाम पर ले सकता है? एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड किस किस के नाम पर, सॉरी पॉलिसी नहीं है, एक्सपेंडिचर किस किस के नाम पर खर्च कर सकता है? एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड इन द नेम ऑफ सेल्फ, डिपेंडेंट पर्सन, और इन केस ऑफ इंडिविजुअल वो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हु इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल, उन पर खर्च कर सकता है। उसके बाद हमारे पास बोलता है, हमारे पास कहता है HUF जो है किसी भी मेंबर के नाम पर। ये सही बातें चलती आई जो हमने डिस्कस करी थी, बस इसमें ध्यान रखो मैक्सिमम लिमिट कितनी। मैक्सिमम लिमिट है जो यहां पर मैक्सिमम 40,000 तक डिडक्शन अलाउड है, ठीक है भाई। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन ये बढ़कर 1,00,000 हो जाएगी। देखो डिडक्शन शैल बी अलाउड अमाउंट इनकर्ड और 40,000 रुपए विच एवर इज लेस, मैक्सिमम है। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन मैक्सिमम डिडक्शन कितनी? मैक्सिमम डिडक्शन 1,00,000 रुपए होगी 80DDB में, एक्सपेंडिचर इनकर्ड और 1,00,000 रुपए विच एवर इज लेस। आगे देखो कहता है डिडक्शन अलाउड शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अंडर मेडिक्लेम एंड ऑल्सो अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर। मेरी बात सुनना, मान लो मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी थी, मेडिक्लेम पॉलिसी से मुझे कुछ अमाउंट मिल गया, उन्होंने मुझे कुछ पैसा दे दिया, तो भैया मेरे को 80DDB की डिडक्शन जो भी प्रीमियम मिला उससे घट जाएगी, बस 80DDB की डिडक्शन उससे घट जाएगी, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये बात बोली है, एम्प्लॉयर ने कुछ पैसे दे दिए, एसएससी को सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से रिलेटेड। आगे कहता है मिस्टर एक्स हैज इनकर्ड 125,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज फॉर हिज हिमसेल्फ, डिडक्शन सिर्फ 40,000 मिलेगी। बट इफ क्लेम ऑफ रुपीज 10,000 हैज बीन रिसीव्ड अंडर मेडिक्लेम पॉलिसी
तो 40 से घटा दो 10, 30,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। इफ मिस्टर एक्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 1,25,000 खर्च करे, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 1,00,000। तो 1,00,000 में से 10,000 रुपए उसको मिल गए थे, तो कितने बचे, 90,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। एक पीछे डिडक्शन रह गई 80U, वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 80U हमारे पास रह गई है पेंडिंग, वो हमारे पास 80DD से रिलेटेड थी, तो पहले आप इसको एक बार देख लें। चले आगे 80U की बात करते हैं। हमारे पास 80U की बात कर रहे हैं, जो क्या होता है, व्यक्ति खुद ही एंट्री है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। ये आप सोचो कि एंड में आ रहा है, एंड में क्यों नहीं कर रहा है, ये रिलेटेड है उससे, 80DD से रिलेटेड है। तो ये कहता है डिडक्शन इन केस ऑफ हैंडीकैप पर्सन। अभी बताता हूं मैं, ये किस लिए मिल रहा है, डिडक्शन इन केस ऑफ हैंडीकैप, खुद ही हैंडीकैप। देखो 80DD क्या था, हमारा कोई रिलेटिव जो हम पर डिपेंडेंट है उस पर हम ट्रीटमेंट पे पैसा खर्च कर रहे थे, उसके लिए डिडक्शन मिल रही थी। लेकिन ये उस खुद व्यक्ति के लिए है जो कि खुद हैंडीकैप है। तो 80DD की डिडक्शन देखो हमारे पास उसको खुद मिलेगी, लेकिन वो व्यक्ति कौन होना चाहिए, वो व्यक्ति रेजिडेंट होना चाहिए। तो डिडक्शन किसको अलाउड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को अलाउड है। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, वही 75,000 और 1,25,000 इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी के केस के अंदर हमारे पास 1,25,000 तक अलाउड होगा। आओ पढ़ो, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, कहता है इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी विद अ डिसेबिलिटी, वो अगर वो डिसेबल है तो डिडक्शन विल बी अलाउड 75,000 प्रोवाइडेड सच इंडिविजुअल इज पर्सन इज सीवियर डिसेबिलिटी। तो हमारे पास उसके पास 1,25,000 तक मिल जाएगी। असस्सी को सर्टिफिकेट जो मेडिकल अथॉरिटी से प्रेस्क्राइब है वो सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है मिस्टर एक्स इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एंड हैज इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी 1,00,000 और उसने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करे एनएससी के अंदर और डिडक्शन जो एनएससी की मिल जाएगी और डिडक्शन 75,000 की भी मिलेगी इसको। देखो मैं कर देता हूँ, इसमें उसे कुछ पैसे नहीं खर्च करने, ये मिलनी मिलनी है सैलरी। इसको इनकम अंडर द हेड सैलरी थी कितनी, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी 10,00,000 थी कितनी, चेक करो 10,00,000 रुपए, ठीक है। और कोई इनकम है नहीं इसकी, यही ग्रॉस टोटल इनकम बन गई 10,00,000 रुपए। डिडक्शन दे दो भैया 80U के अंदर, 80C के अंदर, एनएससी में 1,00,000 की डिडक्शन मिल गई 80C में, और ये हैंडीकैप पर्सन है तो 75,000 मिलनी है 80U में। अगर ये सीवियर डिसेबिलिटी से ग्रस्त होता तो इसको कितनी डिडक्शन मिल जाती, 1,25,000। तो ये एक छोटी डिडक्शन थी जो भी मैंने अभी गौर कर दी। तो उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, हम नेक्स्ट 80E और कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास के अंदर हम 80G की तो बाद की बात है, पहले 80E कर लेते हैं। आप पहले इसे देख लो एक बार फटाफट से, अभी तक का जो कर चलो वो एंड में रिवीजन करवा देंगे। अभी आप बस इसे देखो, 80U की डिडक्शन, डिडक्शन इन केस ऑफ हैंडीकैप पर्सन जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है 75,000 और बट इन केस ऑफ सीनियर डिसेबिलिटी 125,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम लोग 80E की बात कर रहे हैं,
अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव ई की बात कर रहे हैं। देख लो पहले आप एकदम, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे कि भाई लिखना भी तो करना है आपको। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ 80G करेंगे, सिर्फ 80G। 80G में इतना टाइम लग जाएगा जितना हमको बाकी सब में लगा, और हमारी दो क्लास और लगेंगी, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो क्लास और 80E के बारे में हम बात कर रहे हैं, 80E की रक्षा क्यों मिलेगी। आ जाओ, मैं 80E के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग सब अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन हाँ जी, तो हम 80E की रिडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। 80E की रिडक्शन जो है वो क्यों मिलेगी, वो एक इंडिविजुअल को मिलेगी। और 80E की रिडक्शन, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई ट्वेल्थ कर रहा है साइंस साइड से, आफ्टर ट्वेल्थ बच्चों ने सोचा है कि हम इंजीनियरिंग का पेपर देंगे, हम लोग डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम लोग प्रोफेशनल कोर्स करके MBA करेंगे, कैट का अच्छा स्कोर है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप घबराए नहीं, बैंक वाले आपके पास खुद आएंगे, आपको लोन देंगे, और वो पैसा भी आपको तब देना है जब चुकाना है, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। तो हमारे पास जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए उनकी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो होती है इसकी 8 साल तक अलाउड है। 8 साल के बाद इसकी डिडक्शन नहीं दी जाएगी, जब भी इसकी पहली पेमेंट होनी स्टार्ट होती है तब से। पढ़ते हैं, डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। कहता है डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल। ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी भाई, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। और इंडिविजुअल को क्यों मिलेगी, फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन के लिए इसने क्या लिया है, लोन लिया है। लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। तो हमारे पास कहता है डिडक्शन इज अलाउड इफ एसएससी हैज इनकर्ड, आगे कहता है डिडक्शन इज अलाउड इफ एसएससी हैज पेड इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन बाय हिम, फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। द लोन शुड बी टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन which means any course of study pursued after senior secondary examination or equivalent। सही बात है, 12th के बाद भी professional course start हो जाते हैं, engineering हो गया, MBBS का हो गया, तो science वालों के इन सब के। The loan should have been taken for pursuing higher education which means any course of study pursued after passing senior secondary exam। एजुकेशन कैन बी सेल्फ के नाम पर हो सकती है, स्पाउस के नाम पर हो सकती है, चिल्ड्रन के नाम पर हो सकती है, और एनी अदर फॉर हुम एसएससी इज अ लीगल गार्जियन। द एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल इज अलाउड एज अ डिडक्शन, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लोन अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ डिडक्शन इंटरेस्ट की मिलेगी, और मैक्सिमम 8 ईयर डिडक्शन इज अलाउड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मीन्स इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंकिंग कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। नो डिडक्शन इज अलाउड आफ्टर 8 ईयर। फॉर एग्जाम्पल पढ़ो, मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2009 फॉर परसुइंग MBBS कोर्स। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर ही हैज गिवन अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 45,000, डिडक्शन 45,000 की मिल जाएगी। तो बस आज इतनी बात करेंगे,
अभी जितना पढ़ लिया एक बार फटाफट से, आज की डिडक्शन जितनी पढ़ी फटाफट से हम रिवीजन लगाएं और फिर हम आगे चलते हैं। तो आज की जितनी भी डिडक्शन पढ़ी हम लोग एक बार रिवीजन लगाते हैं, ठीक है। हमने आज पढ़ी है उनको रिवीजन लगा रहे हैं। हमने पढ़ी डिडक्शन 80CCC, हमने पढ़ी डिडक्शन 80D, हमने पढ़ी डिडक्शन 80DD, हमने पढ़ी डिडक्शन 80U, हमने पढ़ी डिडक्शन 80DDB, और लास्ट हमने डिडक्शन पढ़ी 80E। आज हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिडक्शन पढ़ ली। तो एक एक करके हम लोग फटाफट से रिवीजन लगाए। हम लोग इसकी बात करते हैं 80CCC। 80CCC किसको मिल रही थी? 80CCC उस व्यक्ति को मिल रही थी जो प्रीमियम पे कर रहा था पेंशन फंड के अंदर, लाइक जीवन सुरक्षा पॉलिसी, जिस पॉलिसी से उसको पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा जो कि अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। तो 80CCC की डिडक्शन उसमें मिलती थी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करी बात 80DD की। अच्छा, 80CCC की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख थी, और दूसरी बात 80CCC, 80CCD, इन सबको भी मिलाकर मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 1.5 लाख। 80DD मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर आप प्रीमियम पे करते हैं, उसकी डिडक्शन 80D के अंदर मिलती है। और ये हमारे पास मेडिक्लेम प्रीमियम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो, और एनी नोटिफाइड पेमेंट, हम ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपने कोई भी प्रीमियम पे करा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और मैं यहां पर इंडिविजुअल और HUF, चाहे वो रेजिडेंट हो या वो नॉन रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलेगी। मैक्सिमम कितनी? 25,000, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000। इंडिविजुअल खुद के नाम पे, वाइफ के नाम पर और अपने चिल्ड्रन के नाम पर पॉलिसी ले सकता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर। पेरेंट्स के नाम पर भी पॉलिसी ले सकता है इंडिविजुअल, उसके लिए एडिशनल 25,000, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 एज द केस में भी डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद हम लोग 80D में डिस्कशन कर रहे थे HUF के केस के अंदर। HUF किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पर पॉलिसी ले सकता है, 25,000 की डिडक्शन, मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट ऑफ प्रीमियम शुड बी मेड इन द मोड अदर देन कैश, ठीक, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई भी मोड कैश में भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आए 80DD की बात। 80DD की बात हमने डिस्कशन करी, ये मिलेगी डिडक्शन ओनली टू इंडिविजुअल रेजिडेंट, इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट को मिलेगी जिसने कि क्या करा, ट्रीटमेंट पर एक्सपेंडिचर खर्च करा अपने कोई भी डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव के नाम पर, उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके। तो आप 1 रुपया भी खर्च करोगे तो आपको डिडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड 75,000, और इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी 1 लाख। हमारे पास कितनी मिलेगी? 1,25,000 रुपए। 80U के अंदर वो खुद हैंडीकैप है, वो पर्सन खुद हैंडीकैप है, बीइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उस व्यक्ति को डिडक्शन मिल जाएगी 75,000 की, और 1,25,000 की चाहे वो अमाउंट खर्च भी ना करे ये डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। 1,25,000 की मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। 80DDB की डिडक्शन भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को मिलेगी, और ये स्पेसिफाइड डिजीज के लिए मिलेगी। स्पेसिफाइड डिजीज के लिए आपने पैसा खर्च करा तो आपको इसके अंदर डिडक्शन मिल जाती है। मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर कितनी है? 40,000। सीनियर सिटीजन के लिए डिडक्शन कितनी अलाउड है? 1 लाख। बात समझ आती है? लास्ट 80E के अंदर हमने डिस्कस करा कि आपने लोन लिया और इंटरेस्ट की पेमेंट करी, और लोन लिया है फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर, जब भी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी वहां से प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आज
कितनी बात करते हैं बस इतनी 6 डिडक्शन आप मेमोराइज कर ले, 80 सी कर ली थी हमने, अगली क्लास के अंदर मैं 80 जी करूंगा जो कि हमारा टाइम लगेगा उसमें। ओके बाय बाय, आज इतना करेंगे।